शहर सवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को पहुंची। संकल्प यात्रा का शहरवासियों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। बागली विधायक मुरली भवरा मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए, जहां हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक मुरली भवरा द्वारा विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर सवास नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती बलजीत कौर बग्गा, नारायण व्यास, राजेश मालवीय, कैलाश जोशी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे और क्षेत्रीय लोगों से विधायक भवरा ने मन से कहा कि मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना हितग्राहियों तक पहुंचा चाहिए और किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अगर लापरवाही की तो उसे नहीं बख्शा जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया गया। कार्यक्रम में पेंशन योजना, श्रम योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना इत्यादि विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया। माता के चरणों में सादर वंदन। सम्माननीय मंच पर उपस्थित नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती बत्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय गोपी कृष्ण जी व्यास जी, श्री नारायण जी व्यास जी, श्री केदार जी जोशीला जी, डॉक्टर राजेश मालवीजा जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, यहाँ पर मौजूद सभी विभागों के समस्त कर्मचारीगण और प्यारे भैया बहनों, मातृशक्ति, हम आज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, यदि हम बात करें भारत की तो भारत प्राचीन काल से ही विकसित था। भारत की जो आयुर्वेदिक संहिता, जिसे वर्तमान में डॉक्टर, लेकिन पहले भी आयुर्वेद होता था जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता था, पहले भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। और हम यदि बात करें शिक्षा के केंद्र की तो नालंदा विश्वविद्यालय आपने पढ़ा होगा इतिहास हिस्ट्री के अंदर, यदि देखते हैं तो उस नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे और वो एक शिक्षा का केंद्र था। धीरे कंजूसी की आपने थोड़ी देखकर जरा, क्योंकि ये कार्यक्रम का नाम ही भारत विकसित, भारत पहले हमारे लिए, भारत हमारी माता है, तो उसका दृश्य और उसका चित्र आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। हिमालय समारंभ, हिमालय से यावत हिंदू सरोवरम, एक तरफ समुद्र है एक तरफ हिमालय है, ऐसी हमारी दिव्य और भव्य भारत माता, इसको विकसित राष्ट्र हमको करना है, तो इसका नक्शा हमारे ध्यान में हो और फिर हम दे दे कार करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विकसित भारत करने का संकल्प लेकर निकली देश के सच्ची प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए निकली ये यात्रा, आज सतवास नगर के नगर परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंडी प्रांगण में पहुंची और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक सम्माननीय मुरली भवरा जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जरा जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनके भी विधायक बनने के बाद सतवास नगर में ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो उनका हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। शांति समय की कमी है तो मैं समस्त मंच को प्रणाम करता हूं और उपस्थित समस्त नगर के हितग्राही बंधु हमारे और योजनाओं को साकार रूप मूर्त रूप देने में लगे हुए हमारे समस्त कर्मचारीगण, क्योंकि सरकार ऊपर से करती है पर बीच में मीडिएटर कौन है, कर्मचारीगण हमारे, चाहे नगर परिषद के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो, तो वो भी सब यहाँ उपस्थित हैं, चाहे राजस्व विभाग के, तो बीच में जो कड़ी है वो हमारे ऐसे हमारे समस्त कर्मचारीगण और हमारे शासकीय महाविद्यालय से छात्र छात्राएं भी उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, एक बार उनके सम्मान में भी ताली बजाए। भैया यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी?
केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हर वर्ग के लिए हो रहा है और जो वर्ग इन योजनाओं से वंचित है उन वर्गों को पुनः जोड़ने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत में यात्राओं का प्रतिभाव हो रहा है और जो हितग्राही छूटे हैं वो इनसे लाभान्वित हो, इस यात्रा का यही उद्देश्य है। तो 6 साल से परेशान हो रहे हैं लोगों, 4-4, 6-6 बार फार्म भर दिए, लोगों को लाभ तो नहीं मिल रहा है भैया। देखो कुछ ऐसी चीजें रहती है जो किसी भी पात्र लोगों को नहीं मिल रहा है, कागज की वजह से कहीं ना कहीं अपूर्णता हो जाती है और पुनः उनको जोड़ने के लिए यही तो कार्यक्रम। क्योंकि हम जाते ना वार्ड में तो लोग यही शिकायत आती है, जो पात्र लोग हैं मतलब 70 साल के हैं, गरीब है, उनको भी नहीं मिला सर बिना पैसे। मैं इन योजनाओं को मेरी भूमिका के रूप में पूरा क्रियान्वयन करने के लिए हर अधिकारी को निर्देशित करूंगा और जो अधिकारी इन योजनाओं को मान लो जनमानस तक नहीं पहुंचाता है उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवास मध्य प्रदेश से LN परमार की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।